अब देखते हैं आगे, ठीक है। इन ए सिल्क फार्म फीमेल सिल्क मॉथ्स आर केप्ट इन ए सेपरेट लाइनिंग बैग्स विच आर केयरफुली डिसइनफेक्टेड। सिल्क फार्म में देखा जाता है फीमेल सिल्क मॉथ को एक इनर लाइनर बैग में रखा जाता है और उसको केयरफुली डिसइनफेक्ट किया जाता है, और हर एक मॉथ के अंदर 200 से 500 एग रहते हैं और वो मरते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑफ ऑल दिस सम एग्स आर प्रिजर्व फॉर रिप्रोडक्शन एंड द रेस्ट आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। उसमें तो कुछ तो बचा के रखते हैं प्रोडक्शन के लिए ताकि आगे भी यूज हो, और कुछ तो सिल्क के लिए यूज करते हैं। तो एग्स के लिए सबसे इनक्यूबेट टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू ऑब्टेन द बेस्ट हैचिंग परसेंटेज। दीज एग्स हैच इनटू ब्लैक वर्म्स कॉल्ड लार्वा, और इस एग्स को जब निकालते हैं हैच करते हैं तो ब्लैक वर्म्स निकलता है जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं, ठीक है, या कैटरपिलर या सिल्क वर्म, तीनों चीज़ एक ही है। द लार्वा आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स, लार्वा को मलबेरी लीव्स रखते हैं 3 से 4 सप्ताह के लिए। अब देखते हैं आगे, ड्यूरिंग द फीडिंग पीरियड सिल्क वर्म स्लीप 4 times, ठीक है, मतलब 4 बार होता है, मतलब 24 hours 6 each time, ठीक है, ईच टाइम 24 hours each time। फीडिंग पीरियड में वो 4 बार होता है, मतलब कितनी बार, इंटरवल ऑफ अबाउट 6 days, 6 दिन तक। वाइल स्लीपिंग स्किन क्रैक्स ऑन एंड वेकनिंग द वर्म स्लोज ऑफ, जब सोता है तो उसका स्किन टूटता है और जब उठता है तो उसका वर्म जो होता है उसके शरीर से हटता है, ठीक है, सेड्स द ओल्ड स्किन को वो हटाता है, एंड केम्स आउट इन न्यू वन, और नया वन नया आता है। और यही जो प्रोसेस होता है शेडिंग स्किन का, उसको लोग मॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। लार्वा ईट वेरीसियसली एंड ग्रो फास्ट, लार्वा जो होता है वो तेज़ी से वो ईट करता है, ठीक है, और तेज़ी से बढ़ता भी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम लार्वा स्टॉप ईटिंग, कुछ देर बाद लार्वा खाना बंद कर देता है। ड्यूरिंग आइडियल कंडीशन, जब आइडियल कंडीशन रहता है तो इस सिल्क वर्म कंप्लीट्स कोकून्स अबाउट फॉर्मेशन इन 1 week, 1 सप्ताह के अंदर कोकून्स वो बना लेता है, और इसी को हम लोग पूपा स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मेन चीज़ है, ये द कोकून्स दस फॉर्म्स आर कलेक्टेड ऑन एंड प्रोसेस्ड, जो कोकून जो बना है उसको प्रोसेस में डाला जाता है। इफ द कोकून्स आर लेफ्ट टू देमसेल्फ्स टू द पीपल डेवलप इनटू मॉथ, बाद में जाके मॉथ बनता है, मॉथ से जब कोकून से जब मॉथ निकलता है तो थ्रेड्स उसे डैमेज होते हैं। कुछ सिल्क वर्म्स को तो ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, जैसे ए यहाँ पे देखो कोकून्स निकला, कोकून्स एक से सिल्क वर्म कोकून से मौत निकला, मेल और फीमेल इसी से होते हैं, ठीक है। अब सिल्क का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ए पाइल ऑफ कोकून्स इज ऑब्टेनिंग फॉर सिल्क वर्म, एक कोकून का पाइल ले लेते हैं, ठीक है, गुच्छा, उस कोकून को कलेक्ट करते हैं, उसको सन के में डालते हैं या बॉयल करने के लिए डालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और जब सेपरेट करते हैं तो सिल्क स्क्रीलिंग कहते हैं, और इससे रॉ सिल्क निकलता है। अब रॉ सिल्क निकलने के बाद रॉ सिल्क सफिशेंटली उसको नीटिंग में वीविंग में डालते हैं, और उसको सिल्क यार्न बनाते हैं, उसको हम लोग थ्रोइंग कहते हैं, ठीक है, मतलब सिल्क से निकला तो रॉ सिल्क हो गया, उसको नीटिंग के लिए डाल दिए, वीविंग सीने के लिए, तो उसको थ्रोइंग कर दिए, और उसे जो से एंड द प्रिवेंट द थ्रेड फ्रॉम स्प्लिटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स, और थ्रेड को क्या करता है, स्प्लिटिंग या कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स थ्रेड को टूटने से बचाता है, कौन सा, थ्रोइंग, ठीक है। 4 different types ऑफ सिल्क थ्रेड्स मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द दिस प्रोसीड्योर, 4 type का सिल्क थ्रेड बनता है, पहला ऑर्गेनाइजाइन, स्क्रीप, ट्रेम एंड थ्रो सिंगल्स। अब आते हैं चारों, इसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, बस इसको बस याद रखना है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में सिल्क थ्रेड को जब निकालते हैं तो एक डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में, दो से अधिक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में उसको थ्रेड को बांधते हैं। क्रीप में क्या करते हैं, वही जब सिल्क आता है तो उसको डबल टाइम्स बांध देते हैं। ट्रैम में क्या करते हैं, ट्रैम में जब सिल्क थ्रेड आया तो एक ओनली इन वन डायरेक्शन उसको लेके जाते हैं। और थ्रो सिंगल्स जब हो जाता है तो सिंगल्स आर इंडिविजुअल्स रॉ सिल्क थ्रेड डेट आर ट्विस्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन द नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द सिल्क थ्रेड क्वालिटी ऑफ थ्रेड, जितना उसका टर्न्स बढ़ाएंगे उसका क्वालिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये थ्रो सिंगल्स में होता है।
जनरली देखा जाए प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर में तो ऑर्गेनाइजिन थ्रेड इज यूज फॉर द ब्रेप थ्रेड ऑफ द मटेरियल, ट्रेम थ्रेड इज यूज फॉर द वेप्ट और फिलिंग, क्रीप थ्रेड इज यूज फॉर वीविंग क्रिंकली सिल्क फाइबर एंड थ्रो सिंगल्स इज यूज फॉर द वीविंग सियर सिल्क फैब्रिक्स। मेनली कह रहा है थ्रो सिंगल का यूज हम लोग सिल्क फैब्रिक में करते हैं, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजिंग थ्रेड है उसका हम लोग मटेरियल में बनाने में यूज करते हैं, ट्रेम थ्रेड का यूज हम लोग करते हैं वेप्ट और फिल कुछ चीज़ भरने में, क्रीप का यूज हम लोग सिल्क फैब्रिक को क्रिंकल करने में यूज करते हैं। इतना जानना जरूरी नहीं है, बस इसमें याद करना है मेन चीज़। वाइल्ड सिल्क में एक ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क होता है जिसको हम लोग मूगा कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा में मिलता है, ठीक है। इसी से मिली सिल्क बनाया जाता है, बस वही बात है इसमें सिल्क लिए। सिल्क का एक कलर टेक्स्चर होता है इसमें अच्छा, डोमेस्टिकेटेड रहता है, आसानी से मिल जाता है। कोकून्स विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड विच आर यूजुअली च्यूड थ्रू यूजिंग सिल्क मॉथ, ये भी सिल्क मॉथ से च्यू करने से होता है, ठीक है। दस द सिंगल थ्रेड विच मेक्स अप द कोकून हैज बीन कट इनटू शॉर्टर लेंथ, अब ये सिंगल थ्रेड निकला उसको शॉर्ट लेंथ में बदलेंगे, ठीक है। मूगा के बारे में कह रहा है, अब चार तरह का सिल्क होता है, मलबेरी, चार तरह का सिल्क होता है, मलबेरी, मूगा, क्राय, ट्रेसर, कोसा। सिल्क का यूज किस में करते हैं, हाईली वेट, लस्टर, सॉफ्ट, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, कीप्स वार्म इन विंटर, कूल्स इन समर। इसकी दो यही तो क्वालिटी है सिल्क की, गर्मी में ठंडा देगा और गर्मी में गर्म देगा। एक्सपेंसिव ड्रेसेस होता है, इसको ओकेजनली पहनते हैं, मतलब शादी विवाह में पहनते हैं, इससे सारी क्राफ्ट्स बनता है। और उसका हम लोग सिल्क का यूज़ हम लोग पैरासूट, बाइसिकल टायर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग सूचर्स इन सर्जरी, सर्जरी के सूचर्स में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं सिल्क का। अब सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मेनली तो असम बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, उड़ीसा बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस इंडिया, फर्स्ट कौन है, चाइना। अब इसका बीमारी क्या था, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारी है इसका, इसकी वजह से हो सकता है अगर सिल्क किसी को प्रॉब्लम है, एलर्जी है उसको, उससे इसके भी भाई जितना भी स्किन का रिलेटेड प्रॉब्लम है ज़्यादातर अस्थमा, एलर्जी, मतलब स्किन में भी इसके भी मतलब एलर्जी टाइप में बॉयल करते हैं तो उसको उस स्किन रफ हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लिस्टर प्रोड्यूस हो जाता है शरीर के ऊपर, हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, अदर प्रॉब्लम है। अब उल